छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव स्टेडियम के पास पिछले 25 दिसंबर से एक माह से अनिश्चितकालीन हड़ताल किसानों के द्वारा चल रहा है, जिसका मुख्य मांग है कि फसल की ऋण माफ किया जाए, धान की बोनस दिया जाए। इस तरह से कई परेशानियों को लेकर एक महीना से अनिश्चितकालीन धरना में अलग अलग इलाके के लोग धरना पे बैठ रहे हैं। हम धरना में इसलिए शामिल हुए हैं कि हम अकाल की समस्या से भारी तकलीफ से गुजार बसर कर रहे हैं, और आगे सब कर्जा बड़ी खाद का धान का सब पर कहाँ से हम करें मेंटेन करें, फसल कुछ नहीं हुआ है। लोग गांव से आए हुए हैं, चूल्हा चौकियों का यहां लेके आए हैं, स्टोव लेके आए हैं। किसान भाई लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वे आपस में एक दूसरे के चंदा का पैसा इकट्ठा करके अपना चला रहे हैं। यहां चावल दाल खरीद रहे हैं, चूल्हा मिट्टी तेल वगैरह खरीद रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, एक महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी बने बीमा है वो राशि मिलना चाहिए, क्षतिपूर्ति का राशि मिलना चाहिए, बोनस भी सरकार ने दिया है, बोनस भी मिलना चाहिए। सरकार के अभी तक के कान में जू नहीं रेंग रहा है। सरकार को कम से कम वो होना चाहिए, किसान के प्रति क्या सोच होना चाहिए। किसान के जरिए से आगे बढ़ता है तो किसान के कोई सुरक्षा नहीं करा थे कि सरकार। इस वीडियो को मैं इसलिए बनाई हूँ कि मैं स्वयं भी किसान हूँ, इसलिए किसानों की मजबूरी को मैं समझ सकती हूँ। वीडियो देखने वाले लोगों से मैं अपील करती हूँ कि राजनांदगांव जिला कलेक्टर मुकेश बंसल का नंबर है 07744224610। इस नंबर पर कॉल करें और दबाव बनाएं। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहर्ड के लिए।